अटेली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। अनीता यादव ने अटेली खंड के कई गांव का दौरा किया। ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर अनीता यादव का जोरदार स्वागत किया। अनीता यादव ने जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की है और इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अनीता यादव ने कहा कि पिछले 10 साल में अटेली हल्के में कोई विकास के काम नहीं हुए। बीजेपी के 10 साल के शासन से हर वर्ग परेशान है। अनीता यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के अटेली दौरे की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट कल बघोत गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ का मुख्यमंत्री रहने के बाद एक पत्थर भी वो नहीं लगा सके, बुरी बात। एक मुख्यमंत्री जो थे भजनलाल जी थे, उन्होंने अपने हिसार को चमकाया। एक मुख्यमंत्री जो बंसीलाल थे, उन्होंने भिवानी को चमकाया। एक मुख्यमंत्री हुड्डा साहब जो सारे हमारे दक्षिणी हरियाणा को देख रहे हैं। एक विश्वविद्यालय मिला, दक्षिणी हरियाणा का मुख्यमंत्री है। यहाँ बिल्कुल हम इसके क्षेत्र से छटे हुए हैं। पुरानी पार्लियामेंट तो सटी हुई है, जो कहते हैं ना बिजली फूटती है तो कुरकुरी मिलती है। विश्वविद्यालय हमें मिला, सब डिविजन मिला, कॉलेज मिले, पता नहीं क्या क्या मिला। और अब जब मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह उठाएंगे तो बहुत कुछ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मान सम्मान की पगड़ी आपने पहनाई, ये हमेशा मेरे दिल पर रहेगी। श्री राजेश पायलट जी के बेटे भाई सचिन पायलट जी आपके बीच में कल तागोत में आएंगे, तागोत से धाम में दर्शन करेंगे और आपको संबोधन देंगे। इसी से निवेदन करूंगी कि आप 5 तारीख को एक एक बटन मशीन का दबा करके अनीता यादव के पक्ष में हाथ के निशान पर मतदान करें और अपनी प्रत्याशी अनीता यादव को विजयी